ये तो आपने देखा ही है कि जब भी समुद्र में कोई ऐसा जहाज डूबता है जिसमें केमिकल पदार्थ या फिर तेल भरा होता है, अगर वो समुद्र में फैलता है तो आपने देखा ही है कि किस तरह से तबाही फैलती है, क्योंकि उससे समुद्री जीव जंतुओं और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। हर बार की तरह जब भी इस तरह का हादसा या दुर्घटना होती है तो इससे बचने या इसको पूरी तरह से साफ करने का हल अभी तक किसी के पास भी नहीं मिला है। उस तेल को आखिर में समुद्र में ही जलाना एक आखिरी विकल्प रह जाता है, जो कि फिर भी पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध होता है। वैसे कोशिश तो पूरी दुनिया करने में लगी थी, पर इसके हल के साथ अभी तक कोई भी नहीं आ पाया था। पर इस बार भारत के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि BARC ने एक पदार्थ विकसित कर लिया है जिससे इस बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। दरअसल भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक AK महंती ने कहा है कि इस समय ऐसा कोई एब्जॉर्बेंट उपलब्ध नहीं है जो पानी की सतह और तलहट यानी कि पानी के नीचे से तेल को एक साथ सोख सके। उन्होंने आगे कहा है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने हाईली एब्जॉर्बेंट कॉटन को आइसोटोप और रेडिएशन एप्लीकेशन डिवीजन में काम करने वाले वैज्ञानिक सुधेंदु रे चौधरी ने विकसित किया है। BARC के बयान में कहा गया है कि दिसंबर 2020 में सुपर एब्जॉर्बेंट कॉटन को एक भारतीय पेटेंट दिया गया था और इस टेक्नोलॉजी को एक निजी कंपनी को हस्तांतरित भी कर दिया गया है। यहाँ एक आधिकारिक बयान में ये कहा गया है कि कॉटन एक बेहतरीन सुपर हाइड्रोफोबिक यानी कि पानी को ना पसंद करने वाला और सुपर ओलियोफिलिक यानी कि तेल को पसंद करने वाला है और इसे रेडिएशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके विकसित किया गया है। और इस हाईली एब्जॉर्बेंट कॉटन की खासियत यह है कि इसका 1 ग्राम कॉटन 1.5 किलोग्राम तक का तेल सोख सकता है और ये जो तेल सोखेगा उसको बाद में निचोड़कर फिर से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और ये जो कॉटन है वो बायोडिग्रेडेबल है जिसे 50 से 100 बार तक इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और बड़ी मात्रा में सुपर एब्जॉर्बेंट कॉटन का उत्पादन करने की एक प्रक्रिया भी विकसित कर ली गई है और इसको आवश्यकता के अनुसार पैक और स्टोर भी किया जा सकता है। अब इससे ये साफ हो जाता है कि भारत जिस रफ्तार से नए नए आविष्कार किए जा रहा है वो दुनिया को ये बताने के लिए काफी है कि भारत अभी उस रेस में शामिल है जिसको लेकर हर कोई ये सोच रहा था कि भारत अब कभी खड़ा नहीं हो सकेगा। और भारत के इस नए आविष्कार ने ये साबित कर दिया है कि भारत लंबी रेस का घोड़ा है।